Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I am coming with a little review of bed sitter which I bought from Amazon. If you are interested, then you can buy from Amazon. I have also mentioned the link in description box. So without further delay, let's get started. So firstly, I'll show you a quick unboxing. After then, I'll start review. ये है इसका बॉक्स जहाँ पे फोर कलर मेंशन है. इनमें से कोई भी कलर रिसीव हो सकता है. मुझे ये कलर रिसीव हुआ है. स्पेशल प्रोडक्ट फीचर्स में एक पैकेट बेच जो 100 ग्राम्स का है और 10 स्टिक्स रिसीव हुआ है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके प्राइस की बात कर लेती हूँ. इसका प्राइस है 574 और इतने कम प्राइस में काफ़ी अच्छा वैक्स हीटर है. लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है. और ये है इसका ब्रेक रेजिस्टेंट प्लास्टिक लीड जो कि हैंडी है और ब्रेक होने के भी चांसेस काफ़ी कम है. इसके साथ में एक एक्स्ट्रा एल्युमिनियम कंटेनर है जो कि डिटैचेबल हैंडल के साथ है. आप सब देख रहे हो इस पे वैक्स लगा हुआ है क्योंकि वैक्स मैं यूज कर चुकी हूँ और ये काफ़ी जल्दी वैक्स को मेल्ट करता है. मैं इसको डिटैच करके दिखाती हूँ. आप सब देखो कितना इजी है इसे डिटैच करना. और वैक्स करते टाइम काफ़ी वैक्स हैंडल पे गिर जाता है जो कि पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसे निकाल के वॉश कर सकते हैं और वापस से ये बचा हुआ वैक्स जिसका यूज़ मैं दोबारा कर सकती हूँ. ये है वैक्स हीटर. ये है इसका नॉब जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं. यह है लैंप लाइट. जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट जलेगी, तब हीटर काम करना स्टार्ट करेगा. ये है इसका वायर जो कि 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो.